मैं बच्चों को और अभिभावकों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं अभी कई राष्ट्र के राजदूतों को मिलता हूं, कभी राजनयिकों की भी मिलने का मुझे अवसर मिलता है, मैं कई देशों के लोगों को पूछता हूं कि आपकी भाषा कौन सी, तो कहते हैं अंग्रेजी, मेरे को वो तो इंग्लैंड की है भाई, आपकी कौन सी है, तो धीरे से वो अपना सर झुकाते हैं। हम भारतीयों ने तय कर लेना चाहिए इस देश में जितनी भी बोलियां और भाषा है एक को भी मरने नहीं देंगे। मैं किसी भी भाषा को सीखने का विरोधी नहीं हुआ, फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, जर्मन सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई तकलीफ नहीं है, मगर अपनी भाषा को मत छोड़िए, इस बात को मैं बच्चों को जरूर कहना चाहता हूं। और हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजी की जानकारी को बुद्धि की क्षमता के साथ जोड़ दिया गया है। बच्चों, भाषा ये अभिव्यक्ति है, भाषा क्षमता का परिचायक नहीं है, क्षमता आपकी अपनी है, इसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा करता है, और भाषा की यह लघुता ग्रंथि के आप बाहर आ जाइए, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत पालिए, आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया को आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी भाषा में बोले या किसी भी भाषा में बोले, अगर क्षमता नहीं है तो नहीं सुनना पड़ेगा, और क्षमता को बढ़ाना है तो आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपकी चिंतन की प्रक्रिया, आपकी निर्णय पर कंक्लूजन पर पहुंचने की प्रक्रिया, आपकी विश्लेषण और एनालिसिस की प्रक्रिया, ये आपके मन में आपकी अपनी भाषा में है, उस पर आप दूसरी भाषा जब थोपते हो तो ये चारों प्रक्रिया को आप वनथर्ड कर देते हो। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी भाषा से कन्नी कभी मत करिए, और मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करिए, मातृभाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, मातृभाषा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और भाषा के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो बात है, जो एक माहौल खड़ा हुआ है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की है। अगर हम मान लेते हैं कि जिनको अंग्रेजी अच्छी आती है ऐसे लोग ही देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, तो हम देश की आबादी के 5% लोगों को ही देश के विकास से जोड़ते हैं। अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा, अपनी भाषा में लिखने वाला बच्चा, अपनी भाषा में बोलने वाला बच्चा, अपनी भाषा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान करने वाला बच्चा अगर देश की विकास की प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है तो हम 95% बच्चों को देश की विकास की प्रक्रिया से काट देते हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर दो हिस्से कर देते हैं। और मैं मानता हूं भारत जैसे बहुभाषा वाले देश में ये नहीं करना चाहिए। भाषा से हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, हमारे साहित्य को जानते हैं, हमारे इतिहास को जानते हैं, और हमारी सोचने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रबल और प्रखर बनाते हैं। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं सोसाइटी के कर्ता धर्ता जगदीप भाई से लेकर आगे से लेकर जो चल रहा है उसको, कि बच्चों को अपनी भाषा में और 7 भाषाओं को यहां पढ़ाया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है इसके अंदर ढेर सारे लिंब है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन भी स्थानीय भाषा में उपलब्ध होना चाहिए, और अनुसंधान भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी स्थानीय भाषा में होना चाहिए। मित्रों, हमने भारत को गांधी और सरदार की कल्पना का भारत बनाना है, हमारे मनीषियों की कल्पना का भारत बनाना है, आत्मविश्वास से भरपूर भारत बनाना है, आत्मविश्वास के साथ किसी से संघर्ष करे बगैर दुनिया की स्पर्धा में सबसे आगे निकले, इस प्रकार का भारत बनाना है। और वो भारत तभी बन सकता है जब हम भाषा की लघुता ग्रंथि को छोड़ दें।